ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन हमने ऑलरेडी देख लिए है। अभी जब रिपोर्ट हमारा रेडी हो जाता है उस रिपोर्ट को हमें पावर बी आई सर्विसेस में पब्लिश करना होता है, ताकि रिपोर्ट जो है वो क्लाउड सर्विसेस में रहता है एंड वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डेस्कटॉप फाइल ओपन कर रहा हूँ, तो अगर इस रिपोर्ट को मुझे रिफ्रेश करना हो तो मुझे मैनुअल रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब फोर्सफुली यहाँ पे जाके ऊपर जो रिफ्रेश का बटन है उस रिफ्रेश के बटन को प्रेस करना होता है, इस रिफ्रेश के बटन को प्रेस करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जस्ट लोडिंग दिस, वंस इट इज लोडेड वी विल रिफ्रेश दिस रिपोर्ट। अभी मेरे पास सामने है, मुझे अगर डेटा में कुछ अपडेशन हुआ है तो अपडेशन यहाँ पे कब दिखेगा, जब मैं इस रिपोर्ट को रिफ्रेश करूँगा। तो रिफ्रेश के लिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश बटन है उस पर अगर क्लिक करता हूँ तो रिफ्रेश स्टार्ट हो जाएगा इसका हर एक जो टेबल है, उस टेबल जो लिंक हमने बनाई थी उस लिंक के थ्रू रिफ्रेश होता है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है एंड एक एक टेबल यहाँ पे रिफ्रेश होगा। जब रिफ्रेश हो जाएगा तो मैन्युअली जब अपन रिफ्रेश करते हैं इसको तो अपडेटेड डेटा हमें फिर रिपोर्ट्स में दिखता है। बट रिपोर्ट अगर डेली हमें मैन्युअली रिफ्रेश करना पड़े तो उसका कुछ डायनेमिक पर्पज़ नहीं होगा, राइट। रिफ्रेश जो है ये ऑटोमेटिकली होना चाहिए। इसके लिए हमें रिपोर्ट्स को पावर बी आई सर्विसेज पे पब्लिश करना होता है, प्लस पावर बी आई सर्विसेज से हमें ये कैपेबिलिटी मिलती है कि हम रिपोर्ट्स को अदर यूज़र के साथ शेयर कर सकें विथ डेटा सिक्योरिटी। रिपोर्ट्स को अभी ये पावर बी आई डेस्कटॉप फाइल अगर आपने आपकी कलीग्स को शेयर की तो उसको पावर बी आई डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसके सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन ये रिपोर्ट उसको ओपन होगा। वापस अगर लेट्स से कि आज रिपोर्ट्स उसने ओपन किया, कल अगर रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस होते हैं, डेटा चेंज होता है, तो आप डेवलपर हो, आपने डेटा सोर्स को कनेक्ट किया था अलग अलग डेटा सोर्स को एंड रिपोर्ट जनरेट किया था, सो आपको रिपोर्ट रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेकिन कलीग्स जो है जिसको आपने ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू रिपोर्ट शेयर किया था उसका रिपोर्ट रिफ्रेश नहीं होगा, उसको वापस जिस डेटा सोर्स को आपने कनेक्ट किया था उसको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा एंड वहाँ पर उसको मैनुअल रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो दिस इज़ नॉट द रियल केस, राइट। रिपोर्ट जो है वो मैन्युअली रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होना चाहिए। प्लस कैपेबिलिटी हमें मिलनी चाहिए कि हम यूजर्स को रिपोर्ट शेयर कर सके एंड विथ डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी मींस आप कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा यूज़र आपका रिपोर्ट देखे, कौन सा रिपोर्ट देखे, मल्टीपल रिपोर्ट्स है तो कौन सा रिपोर्ट वो देखे, कितना डेटा उसमें देख सकता है वो। जैसे अलग अलग कंट्रीज के यूजर्स है, ये रिपोर्ट आपने कंबाइन बनाया है जिसमें सारी कंट्रीज का डेटा है, और लेट्स से कि जर्मनी के कुछ यूज़र है और कुछ फ्रांस के यूज़र है, तो जर्मनी के यूज़र को सिर्फ जर्मनी का डेटा दिखना चाहिए इस रिपोर्ट में, फ्रांस के यूज़र को सिर्फ फ्रांस का डेटा दिखना चाहिए। तो दिस इज़ रो लेवल सिक्योरिटी, और डेटा सिक्योरिटी कैन बी एबल टू पॉसिबल इन पावर बी आई सर्विसेज व्हेन यू पब्लिश दिस रिपोर्ट इन पावर बी आई सर्विसेज। सो पावर बी आई सर्विसेज का मैं जस्ट एक लुक दिखाता हूँ आपको कि व्हाट इज़ पावर बी आई सर्विसेज। तो पावर बी आई सर्विसेज आप ब्राउजर पे यहाँ पे app.powerbi.com ऐसे जब डालते हो ब्राउजर पे app.powerbi.com जब आप इस पे क्लिक करते हो तो पावर बी आई सर्विसेज का एक पेज ओपन हो जाता है। जैसे मैं मेरे अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ऐसे पावर बी आई सर्विसेज की स्क्रीन होती है जहाँ पे रिपोर्ट्स रखते हैं। रिपोर्ट्स ये जो वर्कस्पेस है इस वर्कस्पेस के अंदर डिफरेंट वर्कस्पेस होते हैं, तो उस वर्कस्पेस के अंदर आप रिपोर्ट्स को रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस प्री सेल का मेरा एक वर्कस्पेस है, इसमें मल्टीपल रिपोर्ट्स बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स को ओपन करना रहेगा तो आप रिपोर्ट को ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, रिपोर्ट जैसे पावर बी डेस्कटॉप में ओपन होता था वैसे यहाँ पे आपको दिखेगा रिपोर्ट्स कितने पेजेस आपने बनाए हैं, वो पेजेस के नाम यहाँ पे दिखते हैं एंड रिपोर्ट की स्क्रीन जो आपने डेवलप की विजुअलाइजेशन वो विजुअलाइजेशन आपको ऐसे दिखता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये पावर बी आई सर्विसेज को ये पेज ओपन करने के लिए या पावर बी आई सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है पावर बी आई इस पर्टिकुलर पोर्टल पे app.powerbi.com पे। आपके पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए जिस लाइसेंस को यूज़ करके आप पावर बी आई सर्विसेज को लॉगिन कर सकते हो। अभी अगर मैंने यहाँ पे मेरे प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो लाइसेंस टाइप जो है मेरा प्रो लाइसेंस है, आई एम अ प्रो यूज़र।
मेरा लाइसेंस टाइप है प्रो। लाइसेंस की टाइप होते हैं, जैसे फ्री लाइसेंस होता है फ्री टाइप, देन होता है प्रो एंड देन प्रीमियम, ऐसे अलग अलग लाइसेंस के टाइप होते हैं, ठीक है। तो उसको उसके लिए आप लोग क्या करो, एक आप लोगों के ब्राउज़र के ऊपर टेम्प ईमेल करके एक साइट होगा, उस साइट को आपको ओपन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेम्प मेल डाल रहा हूँ, ओपन टेम्प ईमेल, मैं पहले गूगल पे जाता हूँ, google.com, और यहाँ पे मैं डालूंगा टेम्प ईमेल। टेम्प ईमेल मैं सर्च करता हूँ तो एक टेम्प ईमेल का जो फर्स्ट वेबसाइट है दिस टेम्प मेल, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये क्या होता है, एक आपको टेम्पररी ईमेल क्रिएट करके देता है जिसको एक डोमेन हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि आपके जो पर्सनल ईमेल एड्रेस है जीमेल वगैरह वो पावर बी आई सर्विसेज पे अलाउ नहीं करता उससे लॉगिन करना, इसलिए आपको ऐसे एक टेम्प ईमेल के थ्रू एक ईमेल जनरेट करना होता है। अगर आप लोगों के पास अभी सिस्टम है तो आप ईमेल जनरेट कर सकते हो अभी, है क्या सब लोगों के पास सिस्टम है अभी? सब लोगों के पास है क्या सिस्टम अभी? हेलो, यस। ओके, सो आप टेम्प ईमेल सर्च करो और एक टेम्पररी ईमेल आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर कोई अगर @ के बाद वाला जो है जैसे कि cartape.com, ये अगर किसी को मिलता है तो मुझे बताओ कि आपको भी सेम डोमेन मिला है, ठीक है। तो ये जो ईमेल है टेम्प ईमेल, उसका इनबॉक्स यहाँ पे होता है। ये इनबॉक्स हमें क्यों चाहिए होता है, जब अपन इस ईमेल एड्रेस से पावर बी आई सर्विसेज को लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए एक मेल आएगा, उसमें एक कोड होगा, वो कोड हमें डालना पड़ता है वापस प्रोसेस कंप्लीट के लिए, ठीक है। तो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, वैसी प्रोसेस आपको करनी है। तो आप साइड बाय साइड करोगे या बाद में करोगे प्रोसेस, ये अगर आपके पास सिस्टम है अभी तो सब लोग साइड बाय साइड करो, नहीं है तो फिर बाद में कर सकते हो, कितने लोग हैं मीटिंग में जरा हैंड्स अप करो, किन लोगों के पास अभी सिस्टम है। दीपक के पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है सिस्टम सर? मोबाइल से होगा क्या? नहीं, पीसी पे करना पड़ेगा क्या? हाँ, सिस्टम पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दीपक, आप टेम्प ईमेल पे जाके आपको कौन सा ईमेल एड्रेस मिला है? मुझे yipar13793@bsidesmn.com ऐसा कुछ तो मिला है। ओके, तो लेट्स से मैं इसको चेंज करके देखता हूँ कुछ मिलता होगा। आपका जो ईमेल एड्रेस है वो जरा चैट बॉक्स में डालो ना। ओके, सर जो ईमेल हमें दिखेगा शो करेगा वही करना पड़ेगा फाइनल? हाँ, आप चेंज कर सकते हो ईमेल को, जैसे कि आप 5-7 लोग हो तो 6-7 लोगों के लिए एक डोमेन अगर सेम मिले दो दो लोगों को भी, तो आप पावर बी आई सर्विसेज की जो फीचर्स है तो एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मुझे अभी fernato.com मिला है, आपका कौन सा है? मैंने ऊपर वाला डाला yipar13793@bsidesmn। चेतन का था क्या carpet.com?
टिप का लेते रहते हैं, चेतन का भी ये कार टिप का, ठीक है? तो मैं ये ईमेल एड्रेस को कॉपी कर लूँगा एंड पावर बी आई सर्विसेज का जो एक पेज है यहाँ पे, मैं दूसरा एक विंडो में यहाँ पे ओपन करता हूँ app.powerbi.com, एक नई ब्राउजर पे आप app.powerbi.com ओपन करो तो आपको रजिस्ट्रेशन का एक पेज ओपन होगा। लेट मी शो यू, ठीक है? ऐसे एक रजिस्ट्रेशन का पेज आपको शो होगा। इंटर योर ईमेल विल चेक इफ यू नीड टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो जो ईमेल एड्रेस आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करो। ये टेम्प ईमेल का जो स्क्रीन है इसको क्लोज मत करो, इस टैब को इसको ओपन ही रहने दो। उसके साइड में नया एक app.powerbi.com ओपन करो और जो मेल यहाँ से आपने लिया उसको पेस्ट करके यहाँ पे सबमिट कर दो। एक्चुअली ये प्रोसेस हमें एक्चुअल रियल लाइफ में नहीं करनी पड़ती क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के ईमेल एड्रेस हमें दिया होता है और उस पर लाइसेंस भी असाइन करके हमें देते हैं। तो ये प्रोसेस जस्ट हमारे पास अभी कोई कंपनी का ईमेल एड्रेस नहीं है और ना ही हमारे पास कोई लाइसेंस है, तो ये हम एक टेम्पररी ईमेल एड्रेस बना रहे हैं और उसको हम फ्री का जो लाइसेंस है वो एक्टिवेट करेंगे एंड ट्रायल पीरियड ले लेंगे 60 दिन का। तो हमें प्रो के जो फैसिलिटी है वो 60 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर वो हम ईमेल कितनी बार डिलीट कर सकते हो, मतलब वो कितनी बार भी कर सकते हो वैसे? ओके ओके, ठीक है। यहाँ तक चेतन आप मुझे फॉलो कर रहे हो क्या? चेतन एंड दीपक, यस सर। तो ये यहाँ तक पहुँचे, यू सेलेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक 3, यस सर। तो अभी आपको क्लिक करना है आई गॉट इट फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन। वो पूछ रहा है कि ईमेल एड्रेस आपको कहाँ से मिला, तो आपको करना है कि मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन से मिला, ये मेरा पर्सनल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। देन आई क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे आपका नाम पूछेगा तो नाम डाल दो, जैसे मैं डाल राहुल यहाँ पे डाल रहा हूँ, ओके। कंट्री डाल रहा हूँ इंडिया। बिजनेस फोन नंबर में डाल रहा हूँ 0123456789। आप अपना अपना नंबर दे सकते हो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देन क्रिएट पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो आपको याद रखना है। तो सिंपल वाला पासवर्ड रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ राहुल@123। कन्फर्म करो पासवर्ड को। देन इस वेरिफिकेशन कोड में आप टेम्प ईमेल पे जाओगे तो यहाँ पे देखो एक मेल बॉक्स में आपको एक मेल आया होगा, उस मेल में कोड होगा वन टाइम ये वेरिफिकेशन कोड, तो इस कोड को डालना है आपको। जैसे मेरे केस में है 8677758, 8677758, 67758, एंड आई सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहां तक पहुंचे? ऑनलाइन स्टूडेंट यहां तक पहुंचे क्या? कैसे है सर कोड? वो ईमेल जो आपने ओपन किया था ना, उस ईमेल के इनबॉक्स में रहेगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो इनबॉक्स है, उस इनबॉक्स में आता है। मिला? हाँ। तो वो कोड डालो वहाँ पे, जो लास्ट स्टेप था ना वहाँ पे कोड डालना है आपको। पासवर्ड क्रिएट करो दो एंड नीचे कोड की जगह पे वो कोड डाल दो और नेक्स्ट पे क्लिक करो। किया?
हुआ, अब दोनों का हुआ क्या? यस सर ओके सो गेट स्टार्टेड पे मैं क्लिक करूंगा तो पावर बी आई सर्विसेज का ये पेज मेरे पास ओपन हो जाएगा। वो मुझे ऑथेंटिकेशन पूछेगा अगेन, तो मैं जो ईमेल एड्रेस मैंने वहाँ पे डाला था वो ईमेल वापस से डालूंगा एंड पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया था उस पासवर्ड से मैं लॉगिन करूंगा। साइन इन, आस्क लेटर, यस, सर ये ईमेल हम 60 दिन तक यूज कर सकते हैं क्या? हाँ 60 दिन तक कर सकते हो, बट वो जो डेज होते हैं ना वो डेज बहुत स्लोली काउंट होते हैं, वो जल्दी खत्म नहीं होते, तो एकदम 3-4 महीने चलेगा आपका वो ईमेल। ट्रायल खत्म सर उसके बाद फिर से नया कर सकते हैं ना क्रिएट? हाँ उसके बाद वापस से टेम्प ईमेल पे जाओ, नया क्रिएट करो और वापस से ट्रायल लो। ठीक है ओपन हो गई पावर बी आई सर्विसेज की पेज ओपन हो गई। यहां तक पहुंचे ये पावर बी आई सर्विसेज का स्क्रीन ओपन हुआ दोनों में। ये नहीं हुआ चेतन एंड दीपक आपका हुआ क्या? एक्चुअली सर मेरा नेट थोड़ा ही चल रहा है ना तो मेरा लॉगिन नहीं हुआ पहले से, तो मैं करता हूँ बाद में देख के। चलो ठीक है फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप बाद में वीडियो देख के करना। ठीक है तो वंस ये पावर बी आई सर्विसेज का ये जो पेज है ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऑप्शन है जैसे होम है, क्रिएट है, ब्राउज है, ऐप्स है, वर्क स्पेस है, माई वर्क स्पेस है एंड राइट हैंड ये ऊपर का जो टॉप मेन्यू है यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन है, यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स अवेलेबल होती है। एकदम राइट साइड के कॉर्नर में ये प्रोफाइल का सिंबल जैसे कुछ बटन है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो प्रोफाइल ओपन हो जाती है जिस नाम से मैंने लॉगिन किया है एंड वो ईमेल एड्रेस मुझे यहाँ पे दिखता है जिस ईमेल एड्रेस को मैंने लॉगिन के लिए यूज़ किया है। लाइसेंस टाइप देखोगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे आ रहा है फ्री अकाउंट, ये पावर बी आई का फ्री अकाउंट है अभी जो हम यूज़ किया लॉगिन करने के लिए, जिस अकाउंट से हमने लॉगिन किया वो एक फ्री अकाउंट है, इसको कोई लाइसेंस असाइन नहीं है, ये जस्ट फ्री वाला लाइसेंस है। आप ट्रायल स्टार्ट करना है हमें ताकि हम प्रो के फीचर्स जो शेयरिंग कैपेबिलिटी है ये हमें किसी लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए प्रो या प्रीमियम तभी हम ले सकते हैं। फ्री के अकाउंट के लिए शेयरिंग ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होता, ओनली डेवलप कर सकते हो रिपोर्ट्स और यहाँ पे आप अपने वर्क स्पेस में बस रिपोर्ट आपके लिए स्टोर करके रख सकते हो लेकिन आप किसी को शेयर नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रो या प्रीमियम का लाइसेंस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा ये फ्री ट्रायल ऑन कर दूंगा, स्टार्ट ट्रायल। अगेन प्रोफाइल पे जाऊंगा मैं तो देखो यहाँ पे लाइसेंस टाइप में फ्री अकाउंट आएगा और ट्रायल स्टेटस आएगा 59 days लेफ्ट और ऊपर कैंसिल ट्रायल का बटन आएगा, मतलब अभी आप ट्रायल पे हो, फैब्रिक का ट्रायल हमने स्टार्ट किया है तो प्रो के कुछ फीचर्स जो है शेयरिंग वगैरह के तो हमें यहाँ पे इनेबल हो गए हैं, लाइसेंस टाइप अभी फ्री है बट ट्रायल पे है हम अभी, तो आपको ट्रायल स्टार्ट करके लेनी है। देखो यहाँ पे ट्रायल का काउंट डाउन भी आ गया कि ट्रायल 59 days लेफ्ट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे जो रिपोर्ट हम पावर बी आई सर्विसेज पे पब्लिश करते हैं पावर बी आई डेस्कटॉप से वो यहाँ पे स्टोर होता है इस वर्कस्पेस के अंदर। जब मैं वर्कस्पेस पे क्लिक करता हूँ तो जितने वर्कस्पेस मैंने बनाए होंगे या जितने वर्कस्पेस का एक्सेस मुझे होगा वो सारे वर्कस्पेस यहाँ की यहाँ पे मुझे लिस्ट फॉर्मेट में दिखेंगे। ये माय वर्कस्पेस जो होता है ये माय वर्कस्पेस डिफॉल्ट वाला वर्कस्पेस होता है, ये हर एक यूज़र को माय वर्कस्पेस नाम से एक वर्कस्पेस ऑलरेडी बना हुआ होता है जिसपे आप आपकी पर्सनल जो रिपोर्ट्स वगैरह रहेंगी वो रख सकते हो स्टडी वगैरह कुछ के लिए। हम एक नया वर्कस्पेस बनाएंगे, नया एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम जो रिपोर्ट अभी हमने बनाया उसको पब्लिश करेंगे,
तो नया वर्कस्पेस बनाने के लिए मैं इस वर्कस्पेस पे क्लिक करता हूँ, न्यू वर्कस्पेस। यहाँ पे मुझे पूछेगा एक पॉपअप विंडो पे कि वर्कस्पेस का नाम क्या रखना है। सो मैं मेरा नाम दे देता हूँ, जैसे कि राहुल टेस्ट, ऐसा मैंने नाम दिया मेरे वर्कस्पेस को। एंड देन सिंपली आई जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट या अप्लाई। जैसे अप्लाई पे क्लिक करूँगा मैं, ये वर्कस्पेस का जो लिस्ट है, यहाँ पे देखो राहुल टेस्ट नाम का एक वर्कस्पेस यहाँ पे आ गया। अगर इस वर्कस्पेस को मैंने क्लिक किया तो मैं वर्कस्पेस के अंदर हूँ। यहाँ पे वो रिपोर्ट्स जो है, वो रिपोर्ट यहाँ पे आपको शो होती है जब पब्लिश करने के बाद। वंस हमने रिपोर्ट बना दिया, अभी जाते हैं पावर बी आई डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर। इस पावर बी आई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हमने जो रिपोर्ट बनाया है उसको हमें पब्लिश करना है। तो पब्लिश करने के लिए सबसे पहले मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं कौन से पेज पे हूँ। जिस पेज पे मैं रहूँगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव समरी का पेज हमारा फर्स्ट पेज है, कस्टमर डिटेल का पेज सेकंड है। अगर मैं कस्टमर डिटेल के पेज पे हूँ और यहाँ से मैंने पब्लिश कर दिया रिपोर्ट को, तो पावर बी आई सर्विसेज पे जब भी आप रिपोर्ट ओपन करोगे तो आपको ये कस्टमर डिटेल का पेज ही दिखेगा फर्स्ट, एग्जीक्यूटिव समरी का नहीं दिखेगा। या पब्लिश करते समय आपने कोई फिल्ट्रेशन लगाया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ईयर 2016 का फिल्टर लगाया एंड कुछ इनकम लेवल पे भी कुछ फिल्टर लगाया, देन मैंने वो रिपोर्ट पब्लिश किया, तो हमेशा जब रिपोर्ट ओपन करेंगे तो ये फिल्टर उसमें लगे होंगे। इसीलिए जब भी आप रिपोर्ट पब्लिश करते हो उससे पहले हमेशा क्रॉस चेक करना है कि कोई रिपोर्ट्स पे हमने फिल्ट्रेशन तो नहीं लगाया है किसी स्लाइसर्स के ऊपर। क्लियर कर लो सिलेक्शंस एंड एग्जीक्यूटिव समरी, जो आपका फर्स्ट पेज है, जो आपको दिखाना है ऑलवेज रिपोर्ट्स के ऊपर। जब आप रिपोर्ट ओपन करोगे पावर बी आई सर्विसेज में, तो कौन सा पेज ओपन होना चाहिए, लोड पे जाओ, कौन सा पेज ओपन होना चाहिए वो पेज आप सेलेक्ट कर लो, देन पब्लिश कर लो। जैसे हमारे केस में मैं एग्जीक्यूटिव समरी का पेज ओपन रख रहा हूँ या सेलेक्टेड रख रहा हूँ, एंड देन आई क्लिक ऑन दिस पब्लिश बटन। रिपोर्ट को सेव करने के लिए बोलेगा, आप सेव कर दो। एंड जैसे आप पब्लिश करते हो तो यहाँ पे वो वर्कस्पेस दिखेंगे। अभी ये वर्कस्पेस कौन से दिख रहे हैं, जो मेरे पावर बी आई सर्विसेज है, जो मेरा पर्सनल प्रो अकाउंट है उसके दिख रहे हैं। मुझे कौन से चाहिए, जिस अकाउंट से हमने लॉगिन किया था वो अकाउंट चाहिए, तो यहाँ से मैं प्रोफाइल पे मैं साइन आउट कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, तो साइन इन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो ईमेल एड्रेस पूछेगा। मैं सेम ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट कर रहा हूँ जो हमने पावर बी आई सर्विसेज को लॉगिन करने के लिए यूज़ किया था। एंड आई जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। अगेन ऑफिस 365 का ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको वो अकाउंट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे वापस वो ईमेल पुट कर रहा हूँ, आई क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगेन आई पुट माय पासवर्ड, आई क्लिक ऑन साइन इन। यहाँ पे देखो राहुल क्या आया है, इसको अगर मैंने क्लिक किया तो देखो वो ईमेल एड्रेस मुझे दिखाएगा, जो इस ईमेल एड्रेस से मैंने पावर बी आई सर्विसेज को लॉगिन किया है। नाउ आई क्लिक ऑन पब्लिश, तो मुझे वो वर्कस्पेस दिखेगा जो मैंने क्रिएट किया है, राहुल टेस्ट एंड माय वर्कस्पेस। ये वाला डिफॉल्ट वाला है, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसमें मुझे रिपोर्ट रखना है। ऐसे मल्टीपल वर्कस्पेस अगर आपने क्रिएट किए होंगे तो सारी वर्कस्पेस की लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। आपको रिक्वायर्ड वर्कस्पेस सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे मैंने जैसे राहुल टेस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इस सेलेक्ट को मैंने प्रेस कर लिया, तो ये पब्लिशिंग शुरू हो गया रिपोर्ट्स का। ये रिपोर्ट्स अभी पब्लिश होगा आपकी पावर बी आई सर्विसेज में। लेट्स सी, सक्सेस, गॉट इट पे मैंने क्लिक किया। नाउ आई गो टू माय पावर बी आई सर्विसेज। इस पेज को मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो DA10 पावर बी आई, ये जो रिपोर्ट है जो हमने पावर बी आई डेस्कटॉप से पब्लिश किया, ये यहाँ पे आ चुका है। जब हम पब्लिश करते हैं रिपोर्ट्स को तो वो दो पार्ट में पब्लिश होता है, एक होता है सिमेंटिक मॉडल, एक होता है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को मैं ओपन करूँगा तो रिपोर्ट दिखेगा, जो विजुअलाइजेशन मैंने किए वो सारे दिखते हैं। ये जो सिमेंटिक मॉडल है, ये सिमेंटिक मॉडल में सब लॉजिक जो होता है, ये रिपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए आपने जो कैलकुलेशंस बनाए, मेजर्स बनाए, मॉडल बनाया है, जो डेटा है वो सारा डेटा, जो सब लॉजिक्स वगैरह, ये सब इस सिमेंटिक मॉडल में स्टोर रहता है। ओनली विजुअलाइजेशन जो होते हैं वो विजुअलाइजेशन इस रिपोर्ट में दिखते हैं। तो वी ऑलवेज सी दिस रिपोर्ट, बट जो सेटिंग्स होती है इस रिपोर्ट्स की, वो हमें इस सिमेंटिक मॉडल के सेटिंग में जाके करनी होती है।
इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए। अभी डीए 10 पावर बी आई रिपोर्ट को मैं ओपन करता हूँ तो जो मैंने रिपोर्ट डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था वही रिपोर्ट्स मुझे यहाँ पे दिखेगा। जैसे एग्जीक्यूटिव समरी का पेज मैंने फर्स्ट सेलेक्टेड रखा था एंड पब्लिश किया था रिपोर्ट को, तो वो पेज मुझे फर्स्ट दिखेगा यहाँ पे जब मैं ओपन करूँगा रिपोर्ट। ओके ठीक है। अभी अभी फिलहाल के लिए ये जो मैप विजुअल है जो हमने क्रिएट किया, ये मैप विजुअल यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि मैप विजुअल बिंग मैप पे काम करता है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हमने लॉगिन किया है उनकी एडमिन डिपार्टमेंट में ये ऑप्शंस, ये एक्सेस होता है कि इस विजुअल्स को वो अलाउ करे कि नहीं करे। तो अभी फिलहाल के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऑफ होता है तो मैप विजुअल आपको दिखेगा नहीं, बट आपकी आईटी डिपार्टमेंट टीम्स को रिक्वेस्ट करके जब विजुअल्स को इनेबल कर देते हो तो वो दिखने लगेगा, वो शुरू हो जाता है दिखना। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टास्क इज, मैंने रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया पावर बीआई सर्विसेज पे। अभी इस पावर बीआई सर्विसेज पे ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट को मैंने सेव करके रख दिया। अगर कुछ चेंजेस मैंने मुझे करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये केपीआई विजुअल मैंने बनाया था, ये विजुअल मैंने चेंज कर दिया, मुझे दूसरा विजुअल डाला यहाँ पे, तो ये इफेक्ट, ये रिपोर्ट्स वापस आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा पावर बीआई सर्विसेज पे, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड ही कार्ड होगा, नया कार्ड ऑटोमेटिकली नहीं आएगा यहाँ पे, आपको उस रिपोर्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे, वो सेव करने पड़ेंगे, वापस उस रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगा। तो लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये टोटल ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी का जो नेम है, मैं उस नेम को क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। लेट से फॉर एग्जांपल टाइटल में गया मैं, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी जो है इसका मैं टोटल जो है ये टोटल निकाल देता हूँ, यहाँ पे बस रखूँगा ऑर्डर क्वांटिटी बाय कैटेगरी नेम। ठीक है, ये चेंजेस मैंने किए, इस रिपोर्ट को मुझे सेव करना होगा। अभी पावर बी आई सर्विसेज पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो टोटल ही है, टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये वाला नया वाला रिपोर्ट मुझे उस जगह पे चाहिए, तो मैं इसको वापस से पब्लिश करूँगा राहुल टेस्ट वर्कस्पेस के अंदर। अगर दोनों रिपोर्ट्स के नाम सेम है तो यहाँ पे आपको एक पूछेगा कि ये जो रिपोर्ट है ये पावर बी आई सर्विसेज पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको इसको रिप्लेस करना है। तो मैं अगर रिप्लेस करता हूँ तो ये वाला जो नया वाला रिपोर्ट है वो रिप्लेस होगा उस पुराने वाले से। लेट्स सी, इसको मैंने गॉट इट कर दिया। नाउ आई अगेन गो टू द माय पावर बीआई सर्विसेज एंड लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। सी यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी आया, अभी टोटल निकल गया, ऑर्डर क्वांटिटी आया। सो जब भी आपको रिपोर्ट लेवल पे कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर बीआई डेस्कटॉप की फाइल ओपन करनी पड़ेगी रिपोर्ट की, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे एंड रिपोर्ट को पब्लिश करना पड़ेगा वापस सेम वर्कस्पेस के अंदर। अभी हो सकता है कि आप पावर बीआई ये डेस्कटॉप की जो फाइल है वो फाइल आपके पास नहीं है, या किसी ने ऑलरेडी, किसी और डेवलपर ने रिपोर्ट डेवलप किया है, उसने पावर बीआई सर्विसेज पे डाला है एंड आपको बोला गया है कि कुछ चेंजेस करने हैं इस पे, तो हमें वो, या कुछ नए पेजेस ऐड करने हैं, कुछ ग्राफ्स ऐड करने हैं, तो हमें वो काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये ऑप्शन होता है यहाँ पे फाइल का जो ऑप्शन है, इसको अगर मैंने क्लिक किया तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। जब डाउनलोड करोगे तो वो सेम पीबीएक्स फाइल, कॉपी ऑफ योर रिपोर्ट एंड डेटा डॉट पीबीएक्स, जैसे रिपोर्ट हमने बनाया पावर बीआई डेस्कटॉप फाइल और जैसे वो सेव हुई थी पीबीएक्स फाइल के नाम से डॉट पीबीएक्स एक्सटेंशन से, वैसी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। देन आप उसको ओपन करके उसमें पावर बीआई डेस्कटॉप में या ऐसे वे में ओपन हो जाएगा वो डेस्कटॉप में, एंड देन आप इसमें नए पेजेस ऐड कर सकते हो विजुअल करके, डेटा को सेव करो इस रिपोर्ट को एंड आप इस पब्लिश कर दो। सो दैट्स व्हाट द प्रोसेस इज। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक्सपोर्ट जो ऑप्शन है, एक्सपोर्ट ऑप्शन में आप इस वाले रिपोर्ट्स को एक्सेल में एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज इन एक्सेल आपने किया तो एक पिवोट टेबल ओपन हो जाएगा जिसमें आप रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हो, या ये वाला जो रिपोर्ट है ये आपको अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चाहिए तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्लिक करोगे तो वो रिपोर्ट ओपन हो जाएगा पीपीटी के फॉर्म में। अगर आपको ये रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म को आप क्लिक करोगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन देने के लिए या किसी क्लाइंट को शेयर करने के लिए ये चीज़ें की जाती है। ओके, यहाँ तक समझ में आया पावर बीआई सर्विसेज हमने रजिस्ट्रेशन कैसे किया एंड देन कुछ ऑप्शन हमने देखे, जैसे यहाँ पे वर्कस्पेस है रिपोर्ट को स्टोर करने के लिए, पावर बीआई डेस्कटॉप से हम पब्लिश कैसे करते हैं रिपोर्ट पावर बीआई सर्विसेज पे,
फाइल के अंदर से हम डाउनलोड कर सकते हैं वो PBX फाइल, एक्सपोर्ट ऑप्शन के अंदर से हम इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एनालाइज इन एक्सेल कर सकते हैं पिवोट टेबल के फॉर्म में, PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो वहाँ पे ऑप्शन है जैसे स्लाइसर से, अगर हमने जो स्लाइसर सिलेक्ट किया मान लो 2015 किया तो वही रहेगा यहाँ पे, मतलब अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे पावर बी आई सर्विसेज पे यहाँ पे इंटरेक्शन किया है, राइट, तो ये स्लाइसर्स पे आप क्लियर कर सकते हो ना। नहीं, अगर हमने वहां से अगर 15 सेलेक्ट करके यहाँ पे शेयर किया मतलब यहाँ पे पब्लिश किया तो यहाँ पे जब भी आप रिपोर्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे 2015 दिखेगा, तो आप फिर आपको दूसरा ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, पर डिफॉल्ट वो 2015 दिखाएगा। अच्छा सर, मतलब डिफॉल्ट वही रहेगा जो डिफॉल्ट सिलेक्शन हो जाएगा वो अवेलेबल होंगे बाकी के क्लिक करने के लिए, बट जब भी ओपन करोगे तो 2015 ही दिखाएगा आपको। ऐसे ठीक है सर, हम एक टाइम एक ही कर सकते हैं ना, जैसे हम एग्जीक्यूटिव समरी अभी हमने इधर लिया तो। नहीं मैं समझा नहीं, मतलब बुलेट में दिख रहे हैं सर कस्टमर डिटेल ड्रिल थ्रू बुकमार्क्स वो। हाँ, ये देख सकते हो ना पेजेस, ये एग्जीक्यूटिव समरी पे क्यों है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव समरी का रिपोर्ट आपने इस पेज पे पब्लिश किया था ना, इसीलिए जब भी रिपोर्ट ओपन होगा तो एग्जीक्यूटिव समरी को पहले दिखाएगा वो, बाकी के पेजेस अवेलेबल होंगे आपको देखने के लिए, बट बाय डिफॉल्ट वो एग्जीक्यूटिव समरी का पेज दिखाएगा, क्योंकि जब पब्लिश किया था रिपोर्ट तो एग्जीक्यूटिव समरी पे के पेज पे आप थे और आपने तब पब्लिश किया था इसको। ओके सर। ओके ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। हेलो सर, सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही। मराठीत बोलू शकतो का? हो बोला बोला। ते जसं तुम्ही ऑर्डरला चेंज केलं ना ऑर्डरच्या पुढचं, बरोबर, ऑर्डर क्वांटिटी बाय कॅटेगरी नेम, जसं तुम्ही चेंज केलं तसं सपोज आपण इयर मधलं जर सपोज आता फिल्टर लावलेलं आहे त्यातला एखादा इयर चॉईस केला त्यातला जसं डाटा चेंज होतो तसं दुसऱ्या पेजवर तुम्ही जसं सांगितलं पॉवर बी आय मध्ये सोबतच रिफ्रेश करावं लागेल का प्रत्येक वेळेस? नाही मला क्वेश्चन नाही समजला, म्हणजे असं म्हणायचं आहे का की पॉवर बी आय डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन मध्ये इथे जे आपण फिल्टर लावतो ते लावून आपण पब्लिश केला रिपोर्ट असं म्हणताय का? नाही नाही नाही, मी कसं बोलत आहे की आता जसं तुम्ही चेंज केलं त्याचं जे नाव होत जे नाव होत, बरोबर, आता माझं कसं म्हणणं आहे की जसं फिल्टर लावलेलं बरोबर तर नेम मंथचं आहे किंवा इयरच आहे त्याच्यामध्ये सपोज जर तुम्ही 2000 आता हे पूर्ण आहे ना ऑल आहे ना डेटा बरोबर पूर्ण 2015 सिलेक्ट केलं, ठीक आहे, आता जर जसं ऑर्डर चेंज जसं ऑर्डरचं नाव चेंज केलं आपण जसं पॉवर बी आय मध्ये बरोबर आपण त्याच्यामध्ये रिफ्रेश करावं लागलं होतं ना आपल्याला तसं याचं पण तसं करावं लागतं काय? हा जो रिपोर्ट आहे हा रिपोर्ट तुमचा पॉवर बी आय डेस्कटॉप ऍप्लिकेशन मध्ये, बरोबर, तुम्ही जे सिलेक्शन करता इथे इयर्सचे वगैरे ते फक्त हा रिपोर्ट मध्ये इंटरॅक्शन करण्यासाठी, रिफ्रेश वगैरेशी त्याचा काही संबंध नाही। म्हणजे आता लेट से हा रिपोर्ट आहे तुमच्या समोर उभा, तुम्हाला 2015 डेटा बघायचा रिपोर्ट मध्ये, तुम्ही 2015 फिल्टर लावला, तुम्हाला 2015 डेटा दाखवतोय आता, पण मी जर इथे रिफ्रेश केलं तरी तो सगळाच डेटा रिफ्रेश होणार आहे, तो फक्त 2015 नाही रिफ्रेश होणार। मी तसं नाही म्हणत आहे, जसं तुम्ही आता दोन्ही बरोबर दोन्ही फाईल घेतल्या बरोबर एक पॉवर बी आय मध्ये एक्सेल मध्ये बरोबर ना, ते तुम्ही बरोबर पेज 1 आणि पेज 2 त्या पद्धतीने दाखवलं ना तुम्ही की हा आणखी डेटा कुठेतरी आता तुम्ही दाखवलाय ना, ते तुम्ही नाव चेंज केलं एकदा ते परत सांगा मला, तुम्ही जे नाव चेंज केलं तसं रिफ्रेश केलं ते परत एकदा दाखवा। रिफ्रेश नाही केलं मी, काय केलं नाव चेंज केलं सेव्ह केलं त्याला पब्लिश केलं परत। हो आणि तसंच जर 2015 आपल्याला पूर्ण डेटा बघायचा असेल तर ते तसंच पॅटर्न तसंच करावं लागेल का की याचे करून सेव्ह करून पब्लिश करून? नाही नाही, आता बघ 2015 डेटा बघायचा असेल तर तो इथे पण बघू शकतो ना पॉवर बी आय सर्व्हिसेस वर, इथे सपोज मी एक्झिक्युटिव्ह समरीवर आहे तर इथे मला 2015 16 17 सिलेक्शन करता येतं ना, बरोबर,
मला पर्टिक्युलर इयर तिथनं सिलेक्ट करून इथे पब्लिश करण्याची गरज नाही आहे. माझ्याकडे 3 वर्षाचा डेटा इथे आहे ऑलरेडी, पब्लिश केला तर इथे आहे, तर मी इथे सिलेक्ट करून बघू शकतो 2016, 2017, 2015 जे त्या बघायचे ते. तिथे चेंजेस करून ते पब्लिश करण्याची गरज नाही आहे. स्लायसर्स कशासाठी आहेत? आपल्याला डेटा बरोबर इंटरॅक्ट करण्यासाठी. बरोबर. मग ते तुम्ही ऑल सिलेक्ट करू शकता किंवा इमेल किंवा 1 वर्षाचं बघू शकता, 2 वर्षाचं बघू शकता, ते तुमच्यावर डिपेंड आहे की तुम्हाला डेटा किती बघायचा आहे. पण त्याचा स्लायसर्समध्ये म्हणजे ते वर्क होण्यासाठी, जसं इयरला 2015चा डेटा बघायचा आहे मला, तर मग पॉवर बी आय डेस्कटॉपमध्ये म्हणजे इथे मला 2015 सिलेक्ट करावं लागेल आणि मग पब्लिश करावं लागेल, आणि मग इथे मला पॉवर बी आय सर्व्हिसेसवर फक्त 2015चा डेटा दिसेल. ते फक्त फिल्टर सिलेक्शन राहील ते 2015चं. त्यावेळेस सुद्धा तुम्हाला 2016 आणि 2017 सिलेक्शन करण्यासाठी अवेलेबल असतील इथे. पॉवर बी आय डेस्कटॉपवर आहे, मी इथे 2015चा फिल्टर लावला, ठीक आहे, मी रिपोर्टला सेव्ह करतोय आणि याला पब्लिश करतोय, राहुल टेस्ट मध्ये पब्लिश करतोय. तिथे ऑलरेडी या नावाने एक रिपोर्ट आहे, सो तो मला विचारेल रिप्लेस करायचा आहे, मी ओके रिप्लेस कर. सक्सेस झालं, नोटेड. आता इथे पॉवर बी आय सर्व्हिसेसवर गेलो मी. मी इथे आता सध्या काही फिल्टर सिलेक्टेड नाही आहे. मी या पेजला रिफ्रेश केलं, आपण 2015चा फिल्टर लावून रिपोर्ट पब्लिश केला होता, बरोबर? बरोबर. इथे बघ, इयर 2015चं सिलेक्शन डिफॉल्ट आहे. इथे ड्रॉप डाऊन केल्यानंतर इथे मला बाकीचे इयर पण सिलेक्ट करता येतात. तुम्हाला 16 बघायचं असेल तर 16 करू शकतो, 17 बघायचं असेल 17 करू शकतो. ठीक आहे, ठीक आहे, समजलं? यस सर. ओके, थँक्यू. ओके, ठीक आहे. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि हमने रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया, रिपोर्ट अभी पावर बी आई सर्विसेज पे, तो ये जो वर्क स्पेस होता है इस वर्कस्पेस को मैंने ओपन किया. अभी इस वर्कस्पेस में एक ऑप्शन होता है वर्कस्पेस एक्सेस. वर्कस्पेस एक्सेस में 4 टाइप आते हैं. जब मैं मैनेज एक्सेस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मैं देखता हूँ कि राहुल के ये जो मेरा अकाउंट है, आई एम द एडमिन फॉर दिस पर्टिकुलर वर्कस्पेस. ये वर्कस्पेस मैंने बनाया तो मैं उसका एडमिन हुआ. तो मुझे दिखा रहा है यहाँ पे आर के एडमिन है. यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन, छोटा ड्रॉप डाउन है, वहाँ पे एडमिन नाम आ रहा है. इस ड्रॉप डाउन को मैं अगर क्लिक करता हूँ, लेट्स से ऐड पीपल का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे इतने एक्सेस मैं दे सकता हूँ. एक्सेस इन द सेंस कि इतने रोल होते हैं यहाँ पे, एडमिन, मेंबर, कॉन्ट्रीब्यूटर एंड व्यूअर. जो जो जिसने वर्क स्पेस बनाया है, जिसने रिपोर्ट बनाया है, वो हुआ एडमिन. उसके पास सभी एक्सेस होते हैं, रिपोर्ट को डिलीट करना, वापस पब्लिश करना, कुछ चेंजेस करना, किसी और को एक्सेस देना, ये सारे राइट्स एडमिन के पास होते हैं, ठीक है. तो लेट्स से अभी मेरा और चेतन का एक डोमेन था, ठीक है, जो जो डोमेन, डोमेन मतलब एट द रेट के पहले बात वाला जो होता है, ये cartep.com, दिस इज डोमेन. अगर ये डोमेन सेम है, मतलब हम दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऐसा इसका मतलब हुआ. तो मैं इंटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी और यूज़र को ये रिपोर्ट शेयर कर सकता हूँ. कैसे कर सकता हूँ? मैं ये जो राहुल टेस्ट नाम का वर्कस्पेस है, इस वर्कस्पेस का एक्सेस मैं चेतन को दूंगा. तो जब चेतन पावर बी आई सर्विसेज का पेज ओपन करेगा, उसके सिस्टम में वो वर्कस्पेस में जाएगा, तो वहाँ पे उसको उसके वर्कस्पेस के उसका वर्कस्पेस दिखेगा, एंड देन मेरा वर्कस्पेस जो है राहुल टेस्ट, वो भी दिखेगा. जब वो राहुल टेस्ट को क्लिक करेगा तो मेरे वर्कस्पेस के अंदर जितने रिपोर्ट्स होंगी वो रिपोर्ट्स उसको दिखेगी, वो देख सकता है रिपोर्ट को ओपन करके, ठीक है. तो मैनेज एक्सेस में 4 एक्सेस होते हैं. फर्स्ट होता है एडमिन, देन मेंबर, कंट्रीब्यूटर एंड व्यूअर. जो एंड यूजर होते हैं, हम ऑलवेज उनको व्यूअर का एक्सेस देते हैं. व्यूअर मतलब ओनली रिपोर्ट को वो देख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते या किसी और को शेयर नहीं कर सकते, वो बस देखते हैं रिपोर्ट को. एंड यूजर का काम तो वही होता है, राइट, रिपोर्ट के साथ बस इंटरेक्शन करना, उसमें क्या लॉजिक बनाना है, कौन से मेजर लिखे, वो उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं, राइट. ये सारा डेवलपर का वर्क है कि कैलकुलेशन बनाना, लॉजिक बनाना, ये सारा.
एंड यूजर जो है, जो रिपोर्ट को कंज्यूम करने वाला है, उसका काम तो बस रिपोर्ट के साथ इंटरेक्शन करना है। तो इसलिए एंड यूजर को ऑलवेज हम व्यूअर का एक्सेस देते हैं, बाकी के जो एक्सेस होते हैं जैसे एडमिन, मेंबर एंड कंट्रीब्यूटर, ये मोस्टली होते हैं डेवलपर्स के लिए। जैसे कि मैं एडमिन हूँ, तो मैं एडमिन में किसी दो यूजर को कंट्रीब्यूटर का एक्सेस दे दूंगा, तो वो उस रिपोर्ट्स को चेंज कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं रिपोर्ट्स को, ऐसे उनके राइट्स होते हैं। ठीक है, तो मैनेज एक्सेस में मैं जैसे क्लिक करता हूँ, मुझे अभी लेट से इस वर्कस्पेस का एक्सेस चेतन को देना है, तो मैं ऐड पीपल ग्रुप पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं चेतन का नाम डालूंगा, ठीक है, चेतन, ने देखो चेतन के करके आ रहा है, ये उसका ईमेल एड्रेस होगा। चेतन यही है क्या? TNEW28876। यस सर। ठीक है, तो हम दोनों सेम डोमेन में है, इसलिए जैसे ही मैंने चेतन का नाम डाला तो वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे मुझे वो शो करने लगेगा। ऐसे आपको अलग अलग ईमेल एड्रेस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जिनकी ईमेल एड्रेस है, अगर वो नाम डालोगे आप तो वो लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आती जाएगी उस पर्टिकुलर यूजर की। अभी मैं चेतन का यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसको मैं व्यूअर का एक्सेस दे रहा हूँ। व्यूअर का यहाँ पे देखो एक्सेस कौन से है, मेंबर, कंट्रीब्यूटर, व्यूअर, मैं उसको व्यूअर का एक्सेस दे रहा हूँ। जब मैं ऐड करता हूँ, जब चेतन उनका पावर बी आई सर्विसेज का पेज ओपन करेगा तो उनको यहाँ पे मेरा जो राहुल टेस्ट नाम का वर्क स्पेस है ना, वो भी दिखेगा उनको वो आपकी लिस्ट पे। चेतन एक बार आप अगर किया है आपने तो एक बार टेस्ट करके देखो, आपको मेरा वर्क स्पेस वहाँ पे दिख रहा है क्या आपकी पावर बी आई सर्विसेज के पेज पे? सिस्टम चालू है क्या आपका? नो सर। ठीक है, सिस्टम बंद है क्या? ठीक है, तो ऐसे एक्सेस दिखेगा मुझे वर्कस्पेस का एक्सेस जब मैं चेतन को एक्सेस दूंगा वर्कस्पेस का। ठीक है, दिस इज वो, ये हुआ वर्कस्पेस एक्सेस। एक्सेस जो है मल्टीपल एक्सेस है, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, सर सर उसमें चेंजेस वो कर नहीं सकता ना, उसमें चेंजेस वो सिर्फ देख सकता है, वो चेंजेस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसको बस व्यूअर का एक्सेस दिया है। अगर मैंने एडमिन का एक्सेस दिया होता तो वो उस रिपोर्ट्स के फिर एडमिन लेवल के एक्सेस उसको मिल जाता, जैसे एक्सेस मुझे है वैसे एक्सेस उसको मिल जाएगा। Workspace Access in Power BI. ये Microsoft का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मेंशन होता है कि एक्सेस कैसे दिया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रीब्यूटर, मेंबर, एंड ये जो एक लिस्ट होती है वर्कस्पेस रोल्स, तो यहाँ पे कुछ एक्सेस जो भी पॉसिबल एक्सेस है या जो भी राइट्स है वो राइट्स यहाँ पे दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और किस रोल को कितना एक्सेस है वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे एडमिन का अगर देखोगे तो एडमिन का सब जगह पे टिक है, मतलब सारे एक्सेस एडमिन को है, लेकिन मेंबर जो है वो मेंबर को एडमिन से थोड़े कम एक्सेस है। देन उसके बाद कंट्रीब्यूटर उसको और कम एक्सेस है, एंड जो व्यूअर है उस व्यूअर को बस ये तीन चार एक्सेस होते हैं, जैसे कि व्यू एंड इंटरैक्ट विद आइटम, रीड डेटा दैट स्टोर इन वर्कस्पेस और डेटा फ्लो, सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट क्रिएट कर सकता है, रिसीव सब्सक्रिप्शन क्रिएटेड बाय अदर्स। तो ये बस व्यू करने के लिए जितने एक्सेस अवेलेबल होते हैं वो उतने एक्सेस बस व्यूअर को दिए जाते हैं। वी और मोस्टली वी ऑलवेज गिव दिस व्यूअर एक्सेस टू अदर यूजर, हम बाकी का एक्सेस नहीं देते एडमिन, मेंबर, कंट्रीब्यूटर का, तो हम व्यूअर का एक्सेस देते हैं। मेंबर, कंट्रीब्यूटर और एडमिन का एक्सेस अगर आपसे मांगता है कोई, यू आर द, लेट्स से आपने रिपोर्ट डेवलप किया है, आप एडमिन हो और आपको बोलते हैं कि नहीं दिस पर्टिकुलर यूजर को आपको एडमिन एक्सेस देना है या मेंबर एक्सेस देना है, देन आपके सीनियर्स के साथ कंसर्न करके फिर उसका डिसीजन लो, आप खुद से डिसीजन मत लो, क्योंकि डेटा एक सेंसिटिव पार्ट होता है। किसी को आपने एक्सेस दे दिया और उसने उस डेटा में कुछ चेंजेस कर दिया, देन सब आपके ऊपर ही आ जाता है, क्योंकि आप डेवलपर हो, आप लीड पे रहते हो आप अपने। तो जब भी व्यूअर का एक्सेस देना है दैट्स फाइन, आप दे सकते हो एक्सेस, बट अदर एक्सेस जो होता है एडमिन, मेंबर, कंट्रीब्यूटर, इन एक्सेस के लिए आपको ऑलवेज आपकी सीनियर्स की सीनियर से डिस्कस करो, और अगर क्लाइंट आपसे एक्सेस वगैरह मांगते हैं तो उनसे ईमेल वगैरह में ये डिस्कशन ले लो कि हमें ये एक्सेस चाहिए, तो आप ईमेल ले लो उनसे कि हमें ईमेल करो एक कि ये एक्सेस हमें चाहिए।
इस पर्टिकुलर यूजर के लिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहता है कि रिक्वेस्ट आया था क्लाइंट का, तो इसलिए हमें देना पड़ा. ओके, बट ऑलवेज कंसल्ट विथ यूर सुपीरियर्स रिगार्डिंग द एक्सेस पॉलिसी. अंडरस्टैंड? समझ में आया? यस यस सर. तो ये एक रिपोर्ट पेज है. इस रिपोर्ट पेज में जब हमने इंट्रोडक्शन की पीपीटी स्टडी की थी इनिशियली जब फर्स्ट लेक्चर में, तब हमने देखा था कि कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं पावर बीआई के, राइट? सिमेंटिक मॉडल, रिपोर्ट, डैशबोर्ड, ऐसे कुछ एक पीपीटी में कुछ पॉइंट्स थे, अगर किसी को याद रहेगा, लास्ट का पीपीटी का पेज था. तो उसमें एक ऑप्शन था कि डैशबोर्ड करके. ये जो हमने पब्लिश किया है यहाँ पे, ये रिपोर्ट है, राइट, जिसमें मल्टीपल पेजेस है, मल्टीपल विजुअल्स है. यहाँ पे डैशबोर्ड क्या होता है कि डैशबोर्ड मतलब आप इस, लेट से कि मेरे पास यहाँ पे 5-6 पेजेस है, तो उस 5-6 पेजेस में से लेट से कुछ इंपॉर्टेंट विजुअल्स है जो मुझे एक जगह पे देखने हैं. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ईच पेज, मुझे कुछ विजुअल एक अलग जगह पे चाहिए और उनको बस मैं देखूँ, तो रिपोर्ट्स को देखने की ज़रूरत नहीं मुझे. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मंथली रेवेन्यू का केपीआई है, इस केपीआई को मुझे देखना है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो पिन का ऑप्शन होता है. जैसे आप विजुअल को सेलेक्ट करते हो या इस पर होवर करते हो, तो ये पिन का ऑप्शन एक आता है यहाँ पे. इस पिन विजुअल को आप करोगे तो डैशबोर्ड क्रिएशन के लिए एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा कि ये जो आपने विजुअल पिन किया है, इसको आपको कहाँ पे रखना है, नए डैशबोर्ड पे रखना है या एग्जिस्टिंग कोई डैशबोर्ड है उसके अंदर रखना है. फिलहाल के लिए हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड नहीं है, हम नया डैशबोर्ड बना रहे हैं. तो न्यू डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करूंगा एंड डैशबोर्ड को एक नाम दूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्ट, और इसको मैंने पिन कर दिया. ये पिन हो गया. नाउ इफ आई गो टू द वर्क स्पेस, तो वर्क स्पेस में देखो एक डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट होके आया है. इस डैशबोर्ड को मैंने क्लिक किया तो जो विजुअल मैंने पिन किया था वो विजुअल मुझे यहाँ पे दिखाई दिया. ठीक है, अगेन लेट से मुझे और कोई विजुअल यहाँ पे पिन करना है. लेट से मेरा अगेन वर्क स्पेस पे जाता हूँ, रिपोर्ट को ओपन करता हूँ एंड आई लेट से फॉर एग्जांपल कस्टमर डिटेल के पेज में से मुझे ये जो हमारा ट्री मैप है वो चाहिए. तो ट्री मैप को मैंने वापस से पिन किया, पिन विजुअल पे क्लिक किया, तो वापस मुझे सेम विंडो पूछेगा कि एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में आपको ये विजुअल ऐड करना है या क्या. लेट्स से कि मुझे एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड में करना है, तो जो डैशबोर्ड रहेंगे एग्जिस्टिंग वो यहाँ पे लिस्ट में मुझे दिखेंगे. फिलहाल हमारे पास एक डैशबोर्ड है टेस्ट का, तो वो दिखता है यहाँ पे. मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पिन पे मैंने सेलेक्ट किया. ये भी पिन हो गया. लेट्स से मैं अभी जाता हूँ ड्रिल थ्रू के पेज पे या बुकमार्क्स के पेज पे, और बुकमार्क्स के पेज के ऊपर से लेट्स से मुझे ये वाला जो मैट्रिक्स विजुअल है ये चाहिए, तो मैं इसको भी पिन कर रहा हूँ एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड टेस्ट के ऊपर. इसको पिन किया मैंने, तो तीन विजुअल मैंने पिन किए. इफ़ आई गो टू दिस डैशबोर्ड अगेन, ओपन दिस डैशबोर्ड, तो देखो ये तीन विजुअल आपको यहाँ पे मिलेंगे. तो जब भी आप रिपोर्ट्स इस पावर बीआई सर्विसेज पे आओगे, और ये जो तीन रिपोर्ट्स है ये तीन विजुअल्स आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीन विजुअल देखने हैं, तो आप क्या करोगे, डैशबोर्ड को ओपन करोगे जहाँ पे ये तीन विजुअल आपको डायरेक्टली शो करेगा. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली आप रिपोर्ट पे जाओ और एक एक पेज सेलेक्ट करके उस पेज के अंदर ये विजुअल देखो, आपको एक ही स्क्रीन में ये रिपोर्ट्स दिखना शुरू हो या विजुअल्स आप देख सकते हो. तो डैशबोर्ड मतलब क्या होता है, डैशबोर्ड इज कलेक्शंस ऑफ टाइल्स. टाइल्स मतलब ये जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के ऊपर जो विजुअलाइजेशन आपने बनाया है, इस हर एक विजुअल को हम टाइल बोलते हैं. इस विजुअल को जैसे कि ये कस्टमर डिटेल, ये एग्जीक्यूटिव समरी का पेज है, यहाँ पे स्लाइसर्स बनाए, तो ये हर एक विजुअल एक टाइल्स होता है. इन टाइल्स को आप पिन कर सकते हो, जैसे हमारा कोई पिन बोर्ड होता है, राइट, अपन इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह उस पिन बोर्ड पे पिन करके रखते हैं. सेम वे आप इस रिपोर्ट के अंदर के कुछ इंपॉर्टेंट विजुअल पिन करते हो और उसको रखते हो इस डैशबोर्ड के ऊपर. सो डैशबोर्ड इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ अ टाइल्स एंड रिपोर्ट इज नथिंग बट इट कंटेंट्स मल्टीपल पेजेस एंड मल्टीपल विजुअल्स. अंडरस्टैंड हो गया?
टाइल्स, ये रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड के बीच का फर्क समझ में आया? जब आपका रिपोर्ट रिफ्रेश होता है यहाँ पे पावर बेस सर्विसेज पे, तो डैशबोर्ड भी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि वो विजुअल यहाँ से आपने रेफरेंस करके पिन किए हुए, अगर इस विजुअल में कुछ अपडेशन होता है तो इस डैशबोर्ड में भी वो अपडेट दिखाई देता है। तो डैशबोर्ड को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिपोर्ट रिफ्रेश होने पर वो डैशबोर्ड भी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो आज के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं, कल जो मंडे को हम अगेन जो पावर बी आई सर्विसेज रिलेटेड जो और चीज़ें हैं, जैसे वर्कस्पेस हमने बनाया तो एप्लीकेशन क्रिएशन भी एक पार्ट है यहाँ पे, प्लस जो रिपोर्ट हमने यहाँ पे पब्लिश किया है उस रिपोर्ट को ऑटोमेटिकली शेड्यूल कैसे रिफ्रेश करें, उसके लिए गेटवे इंस्टॉलेशन हमें करना पड़ता है, वो गेटवे इंस्टॉलेशन हमें करना है। तब तक आप क्या करो, ये पावर बी आई डेस्कटॉप, ये जो डाउनलोड्स का जो सिंबल है, इस डाउनलोड के सिंबल पे जाके डेटा गेटवे पे क्लिक करना और ये गेटवे डाउनलोड करके रख लेना। नॉर्मली इंडस्ट्रीज में स्टैंडर्ड गेटवे यूज़ होता है, लेकिन हम यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे पर्सनल गेटवे ही यूज़ करेंगे। तो गेटवे देखो, यहाँ पे गेटवे का जो साइट है वो ओपन हो जाएगा, आप ये पर्सनल मोड जो है गेटवे का, डाउनलोड पर्सनल मोड, इसको डाउनलोड करके रख देना। इंस्टॉलेशन हम मंडे को देखेंगे, ठीक है? फिर गेटवे एक बार इंस्टॉल हुआ तो गेटवे को हमें सेटअप करना पड़ता है टू रिफ्रेश दिस रिपोर्ट डायनेमिकली। जो पावर बी आई सर्विसेज में आपने रिपोर्ट रखा है वो रिफ्रेश जब आप करोगे डायरेक्टली यहाँ से, तो वो होगा नहीं रिफ्रेश, वो एरर शूट करेगा, क्योंकि पहले पावर बी आई डेस्कटॉप पे जो आपका रिपोर्ट था वो रिपोर्ट उसी मशीन के ऊपर था जिस मशीन के ऊपर आपने आपका उसका डेटा सोर्स रखा था, मतलब जो एक्सेल फाइल जो आपने फेच की थी वो सेम मशीन पे थी। अभी आपका रिपोर्ट इस मशीन पे नहीं है, आपका रिपोर्ट क्लाउड पे है, तो आपकी मशीन में और क्लाउड में कुछ कनेक्शन नहीं है, तो वो कनेक्शन बनाने के लिए हमें गेटवे इंस्टॉल करना पड़ता है बीच में। तो गेटवे एक ब्रिज का काम करता है, आपके ऑन प्रीमाइसिस ये जो डेटा है आपका, आपके सिस्टम के ऊपर, उस डेटा को कनेक्ट करने के लिए उस रिपोर्ट तक जहाँ वो क्लाउड पे या पावर बी आई सर्विसेज पे रखा हुआ है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें गेटवे की नीड होती है। तो वो गेटवे इंस्टॉलेशन भी हम देखेंगे कैसे करना है, राइट? एंड देन वर्कस्पेस के बाद एप्लीकेशन क्रिएशन, और वहाँ पे भी हम एक्सेस कैसे देते हैं यूजर्स को वो हम चेक करेंगे, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है सर? सर हाँ बोला सर। डैशबोर्ड, आप डैशबोर्ड हम पावर बी आई सर्विस में यूज कर सकते हैं क्या डैशबोर्ड? यस, पावर बी आई सर्विसेज में ही बना सकते हैं उसको, पावर बी आई डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डैशबोर्ड नहीं बनते। सर आपने जो ईमेल क्रिएट किया है हम भी वही यूज करेंगे? नहीं, आपने जो किया है अलग से ले लो ना, वो मत यूज करो। सर डोमेन वही रखे क्या जो आएगा वही रखे? ट्राई करो वो रखने का, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर जो मिलता है वो ले लो। बट अगर आपके ग्रुप में आपका कोई फ्रेंड है तो एक दो दो ग्रुप में बनाओ सेम डोमेन वाले, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, एक दूसरे पे एक्सेस देके वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आप कैसे चेक करोगे? तो एक दो दो के ग्रुप बना लो, और जिन दोनों का सेम रहेगा वो एक ग्रुप में आ जाओ ऐसे, और बाकी के दो लोग थोड़ा डिलीट करके सेम डोमेन लाने का ट्राई करो। ओके सर। ठीक है। हेलो 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 सर, रिपोर्ट और डैशबोर्ड में क्या डिफरेंस है? रिपोर्ट जो होता है, रिपोर्ट्स में मल्टीपल पेजेस होते हैं, राइट? और उस पेजेस में मल्टीपल विजुअल्स होते हैं, तो डैशबोर्ड जो होता है वो डैशबोर्ड मतलब कलेक्शन ऑफ टाइल्स होता है, मतलब जो रिपोर्ट मल्टीपल पेजेस में जो मल्टीपल विजुअल्स आपने बनाए हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट विजुअल्स बस एक ही शीट पे दिखाने हैं। जैसे कि जैसे मैंने डैशबोर्ड क्रिएट करके बताया, जैसे मैंने तीन चार पेजेस पे जाके जो इम्पोर्टेंट विजुअल्स मुझे लग रहे थे वो इम्पोर्टेंट विजुअल्स मैंने पिन करके रख दिए डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ अ टाइल्स, टाइल्स मतलब विजुअल्स जो रिपोर्ट्स के अंदर है। रिपोर्ट जब रिफ्रेश होता है तो डैशबोर्ड भी ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है। डैशबोर्ड को आप खुद से रिफ्रेश नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है कि डैशबोर्ड को रिफ्रेश करो, रिपोर्ट रिफ्रेश होता है तो डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता है।
पावर बी आई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे आप जो बनाते हो वो रिपोर्ट्स है, वहाँ पे जो रिपोर्ट्स बनती है आपकी वो पब्लिश करते हो आप पावर बी आई सर्विसेज पे, एंड देन उस रिपोर्ट का यूज़ करके आप डैशबोर्ड बनाते हो। सो इन शॉर्ट, रिपोर्ट जो है वो पावर बी आई डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे बनता है, डैशबोर्ड जो है वो पावर बी आई सर्विसेज पे जो आपने रिपोर्ट पब्लिश किया है उसको यूज़ करके आप डैशबोर्ड बनाते हो पावर बी आई सर्विसेज पे, समझे? यस सर। और किसी को कुछ डाउट है? सर जो कल हमने जो किया था ना टैक्स फंक्शन का जो टाइम इंटीग्रल फंक्शन है, हाँ, उसका एक दो समझाना था जो नेक्स्ट क्वार्टर वगैरह, नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट मंथ उसका ट्राई करते देखा, बट वो आ रहा ही नहीं था। नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट मंथ, लेट मी सी, से ये मैं हूँ कैलकुलेशंस में अपना टाइम इंटेलिजेंस का फंक्शन था, राइट? यस। और उसमें कौन सा ये नेक्स्ट क्वार्टर वाला नहीं मिला आपको? हाँ नेक्स्ट क्वार्टर हो गया, उसके नीचे से नीचे वाले मिले नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर नहीं मिला उसके बाद, और नीचे वाले सब ये सारे कुछ भी नहीं मिला। हाँ नहीं, नेक्स्ट डे का मिला था, नेक्स्ट मंथ, प्रीवियस मंथ और सेम लेट से फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्वार्टर का जो है इसको रन करके देखता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। ओके तो मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, इसको मैंने क्लोज कर दिया और इस टाइम इंटेलिजेंस को मैंने लेट से यहाँ पे पेस्ट किया। ये मुझे दिखा रहा है ब्लैंक, ठीक है? तो लेट से मैं यहाँ पे क्वार्टर का एक स्लाइसर बनाता हूँ, लेट से कि क्या आता है। तो एक कैलेंडर हमारा एक क्वार्टर नंबर का स्लाइसर से, और यहाँ पे मैंने क्वार्टर वन सेलेक्ट किया, क्या दिख रहा है? टाइम है नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर कैलेंडर डिम डेट, ऑनलाइन नहीं देखा क्या? देखा था पर समझ में नहीं आया क्या? नेक्स्ट क्वार्टर डैक्स, देखो यहाँ पे ये नोट है, दिस फंक्शन इज डिस्करेज फॉर यूज, मतलब पावर माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि ये फंक्शन आप यूज़ मत करो क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो विजुअल कैलकुलेशन में मीनिंगलेस रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये मत यूज़ करो, ये कुछ काम का नहीं है। ओके, और कौन सा नहीं मिला आपको? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, वो भी नहीं मिला? नेक्स्ट डे नहीं मिला, नेक्स्ट डे मिला था, नेक्स्ट मंथ नहीं मिला। ये भी सेम ही है, देखो द फंक्शन इज डिस्करेज फॉर यूज इन विजुअल कैलकुलेशन एज इट लाइक टू फंक्शन मीनिंग, बट नेक्स्ट डे का मिला था, उसका डेज आए थे ऐसे, बट डेज आए थे बट आउटपुट क्या मिला था? जैसे कि नेक्स्ट डे आपने किया, आउटपुट क्या दिखाया उसने? आउटपुट क्या लेट्स से कि मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे डालता हूँ,
ये दिखा रहा है मुझे 1/4/2017 ब्लैंक दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे अगर कोई ईयर का स्लाइसर डाला, कोई स्लाइसर पुट करता हूँ मैं। मैंने एक टेबल कर के लिया था, टेबल करके उसमें वो किया था। तो ये भी 2015 अगर मैंने सेलेक्ट किया तो वो डेट दे रहा है मुझे 1/1/2016 की, मतलब कोई डेट मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो उसकी नेक्स्ट डेट देता है। जैसे मैंने ईयर सेलेक्ट किया तो इसकी डिफॉल्ट डेट वो पकड़ रहा है 31 December 2015, तो उसकी नेक्स्ट डे है 1 January 2016। दैट्स व्हाट दिस नेक्स्ट डे फंक्शन गिव्स यू, मतलब आप कोई डेट पास करते हो तो उस डेट का नेक्स्ट डे वो पास करता है। फॉर एग्जांपल अभी ये टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो है सेम वे, जैसे कि ये नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डे का जो है, यहाँ पे अगर मैंने लेट्स से नेक्स्ट डे की जगह कैलेंडर डिम डेट की जगह पे अगर मैंने यहाँ पे कोई डेट डाल दी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाला मैंने March 3, 2015 नेक्स्ट डे, उसमें कॉम बाकी कॉम एक मार्च के बाद कॉम मार्च के बाद नहीं आते हैं। फॉर्मेट पे देख रहा हूँ, दूसरा वे है उसको लिखाने के लिए। देखो इस फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट टाइप, ओके फाइन। तो लेट्स से मैंने नेक्स्ट डे डाला है, यहाँ पे मैंने डे डाला, डेट के अंदर डाला लेट्स से 2024/21 डे ऑफ मंथ, ये टेबल ही मांग रहा है यहाँ पे। कैलेंडर डे की डेट, एक सिंगल डेट नहीं मांग रहा है, वो डेट्स मांग रहा है, तो हमें डेट्स ही पास करनी पड़ेंगी, वहाँ पे कॉलम पास करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर यहाँ पे मैंने ईयर की जगह पे कोई डेट का स्लाइसर लिया, जैसे यहाँ पे ईयर की जगह पे मैंने डेट का स्लाइसर लिया और यहाँ पे मैंने लेट्स से ये जो डेट है इस डेट पे मैंने लेट्स से 1 January 2015 को सेलेक्ट किया, तो मुझे वो 2 January 2015 देगा, नेक्स्ट डे देगा जो सेलेक्टेड है उसका नेक्स्ट देगा। दैट्स व्हाट दिस फंक्शन डू, नेक्स्ट डे देगा आपको। सेम वे मंथ, नेक्स्ट मंथ भी वैसे ही होगा, कोई मंथ सेलेक्ट करोगे तो उसका नेक्स्ट मंथ देगा वो, ठीक है।